लॉकडाउन खुलने के बाद ओयो का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले डिटेल्स में। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसे में जानना है कि क्या अभी ओयो हम लोग जा सकते हैं या फिर जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद हम लोग जब ओयो जाएंगे तो अभी जो प्राइस ओयो का नॉर्मल प्राइस होता है उससे क्या उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। सो हेलो दोस्तों, आई एम रोहित एंड यू वाचिंग हाईटेक रोहित। थैंक्स फॉर लविंग सपोर्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में किसी भी तरह का अपडेट वीडियो को मिस ना करें। वेल दोस्तों, ओयो के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी लगभग 25 वीडियोस बना चुके हैं। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है ओयो के बारे में तो आप मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियोस बनाए रखे हैं तो आप एक बार जाकर उसे जरूर चेक कर ले। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो में कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ओयो का जो प्राइस है जो हम लोग बुकिंग करते हैं वो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। वेल दोस्तों, बता दूं कि जो भी एरिया अभी अगर करंट का बात करूं तो जो भी एरिया रेड जोन में आता है उसकी प्राइस में इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एरिया ग्रीन जोन में या फिर जो एरिया ऑरेंज जोन में आता है वहाँ पे आपको कोई भी प्राइस में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो प्राइस पहले थी वो प्राइस अभी भी रहेगी और वो प्राइस बाद में ही रहेगी। दोस्तों, जो रेड जोन का बात करें, हालांकि ओयो का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा वो मैं बता दूं कि ना कुछ भी नहीं होने वाला, ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि जो एरिया अभी रेड जोन में है वहाँ पे शायद कुछ प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन होने के वजह से सब लोग घर पे बंद है और ऐसे में बहुत सारे लोग अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। सबकी अर्थव्यवस्था, घर की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ है, सबको पता ही है कि सबका हालत सख्त है, खस्त हो चुका है अभी। तो दोस्तों, ऐसे में हो सकता है कि जो रेड जोन में पड़ता हो वहाँ पे उसकी अमाउंट कुछ बढ़ा दे ओयो का, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वही प्राइस रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मे बी दोस्तों, प्राइस घटता या बढ़ता कब है ओयो का वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। कोई सिर्फ लॉकडाउन के वजह से प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। इसका ओयो का जो प्राइस है वो हमेशा चेंज होते रहता है, पर डे पर आवर चेंज होते रहता है। ये होता कैसे, जब भी कोई इंसान ओयो में रूम बुक करता है और उसकी रेटिंग अच्छी देती है, अगर मान लीजिए एक होटल में 10 रूम है और वहाँ पे उस दिन 8 बंदे ने उस रूम को बुक करा और 8 में से लगभग 7 या 6 बंदे ने उसे 5 स्टार की रेटिंग दे दी, तो ऐसे में वो होटल थोड़ा ऊपर में आ जाता है, उसकी जो सर्च रैंकिंग होती है उसे ऊपर में ओयो जो है प्रमोट कर देता है। जब देखता है कि इसे अच्छी रैंकिंग मिल रही है, इससे अच्छा लोग बोल रहे हैं, इस होटल को अच्छा वोटिंग मिल रही है, तो वहाँ पे उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो होटल बढ़िया होगी हम लोग उसी होटल को बुक करेंगे, इसलिए बढ़िया होटल का दाम जो दोस्तों थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो ये है असली माजरा, ऐसा आप लोगों में सोचने की कोई बात नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ओयो का प्राइस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से लोग, कितना लोग जा रहे हैं विजिट करने के लिए, कितना लोग उसे कितनी किस अहमियत में रेटिंग दे रहे हैं। अगर अभी लॉकडाउन खुल भी जा रहा है, अगर लोग कोई जाएंगे नहीं होटल में तो ऑब्वियसली उनको दाम कमाना पड़ेगा ताकि लोग वहाँ पे आएँ। एक बार जब लोग आना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा लोग आना शुरू कर जाएंगे, तब वो अपना दाम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंड करता है डे टू डे, आवर टू आवर किस तरह से कितना बुकिंग हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं और क्या रेटिंग दे रही है। सो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में आप लोगों के डॉट क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। उसी तरह से ओयो का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। अगर आपको कोई डॉट है तो कमेंट कर जरूर बताएं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग, थैंक यू सो मच।